हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन सर, आई एम फाइन सर। ओके गुड बेटा, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी मैथ सब्जेक्ट। मैथ सब्जेक्ट में हम अपने जैसे साइज हम मैथ की सॉल्व कर रहे थे, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हुए एक बार कंफर्म करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम अगर उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में है तो उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वी विल बी मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Meanwhile, we will be completing our next exercise. Whatever the homework was given, whatever the homework was given, do you have any issue with that? Any? आप तीनों में किसी को कोई problem उस particular homework से? Sir. Homework क्या दिया गया था? जरा बताइए तो महक। सिद्धार्थी आपके यहाँ से बेटा आवाज आ रही है, प्लीज शांत करा लीजिए लोगों को। आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है सिद्धार्थी, प्लीज बंद कराइए सभी लोगों को। मैं कहाँ पर आई बेटा? सर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2 में कोई प्रॉब्लम? सिद्धार्थी मुझे आपको बाहर कर देना पड़ेगा, अगर ऐसी आवाज आई तो मैं बिल्कुल बाहर कर दूंगा, मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं है। अपने सवाल को बता दीजिए और म्यूट कर लेना बेटा, कोई सलूशन नहीं है, म्यूट कर लेने से आपसे क्वेश्चन भी नहीं किए जा सकेंगे, आप कुछ बोलेंगे पता ही नहीं चलेगा। बेटा 1.2 में कोई प्रॉब्लम किसी को? महक, अबिरल? नहीं सर। 1.2 का होमवर्क सभी ने भेजा है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर A1, कम टू द पेज नंबर 14। A1, A2, A3, A4, इन चारों में दिक्कत नहीं आएगी किसी को? एक बार समझा दूंगी या फिर मैं आगे चलूं? समझाइए तो समझा दीजिए। समझा दें? यस सर। F3 तक कोई दिक्कत तो नहीं थी? F3? नो सर। ओके, A1, A2, A3 एंड A4 एक बार आज मैं समझाऊंगा, उसके बाद अगर समय बचता है तो देन वी वुड बी स्टार्टिंग एस्टिमेशन ऑफ नंबर। एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स को हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, फिर उसके बाद अगर समय बचता है देन वी वुड बी डिस्कसिंग द एक्सरसाइज, अदरवाइज यू वुड बी गिवन होमवर्क टू कंप्लीट द नेक्स्ट एक्सरसाइज। बाय द वे यस सर, क्वेश्चन नाउ पेज नंबर 14 A1। बेटा मैं जरा क्वेश्चन पढ़िए। द क्वाड्रिलेटरल is a highway network in India connecting इस क्वेश्चन को डिस्कस तो किया गया था ना? इस क्वेश्चन को तो डिस्कस भी तो किया गया था। क्या लिखा है? इन अ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ हाईवे नेटवर्क इन इंडिया कनेक्टिंग चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली एंड मुंबई। द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द मेट्रोस आर गिवन इन द टेबल बिलो। मान लीजिए आपका कंट्रीज है, ऊपर यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली सबसे, और नीचे आपको इधर मुंबई शो कर रहा है आपके इस मैप में। कोलकाता, लास्ट में इधर चेन्नई, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो गया, मैंने बना दिया, ये आपका सिटीज हो गया। तो इसी तरीके से आपके बुक में है ना, फिलहाल आपके बस मैप में है, इंडिया के मैप में इसी तरीके से आपके ये प्लेसेस बने हुए हैं। बेटा ये प्रॉब्लम आ रही होगी, आप लोग इंग्लिश में पढ़ के इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, तो फिर ऐसे में आप गलती कर जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिलहाल आप लोग क्लास 6 में पहुंच चुके हैं। इट इज नॉट सपोज टू आप लोग, मतलब इट इज सपोज दैट कि आप कम से कम जो नॉर्मल सेंटेंसेस है उसके हिंदी उनका मतलब समझ सके। फिर भी बता रहा हूँ, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज द हाईवे नेटवर्क इन इंडिया। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये हाईवे नेटवर्क इन इंडिया, ये एक हाईवे है, हाईवे नेटवर्क है, यानी हाईवे मतलब एक रोड है जो एक कई सारे शहरों को जोड़ती है, जैसे कि चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई जैसे शहरों को जोड़ती है आपस में, चाहे इधर से आकर के ऐसे या चाहे ऐसे जाए वो जोड़ रही है आपस में, ठीक है। Yes, मेट्रो सिटीज कहा जा रहा है, मुंबई इज ऑल्सो मेट्रो सिटी इन द सेम वे,
कोलकाता एंड चेन्नई इज ऑल्सो मेट्रो सिटीज के अंडर में आते हैं। हम लोग का घर, हम लोग का गांव, हम लोग का जो शहर है वो रूरल प्लेसेस में आता है हमारा जो है, लेकिन ये मेट्रो सिटीज के अंतर्गत आते हैं। तो क्या है, इस डिस्टेंस बिटवीन द मेट्रो सिटीज यानी दो शहरों के बीच में के बीच का डिस्टेंस जो है वो कहाँ पे दिया हुआ है, टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, आप सबसे पहले टेबल के डिस्टेंस को पढ़िए। सबसे पहले चेन्नई, चेन्नई आपका सिटी, चेन्नई के लिए क्या लिखा है, डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई का चेन्नई से कितना डिस्टेंस होगा, जीरो। चेन्नई के चेन्नई से तो जीरो किलोमीटर रहेगा ना। द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट तो व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस फ्रॉम कोलकाता टू चेन्नई, व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम कोलकाता टू चेन्नई। मैं सिद्धात्री, आप दोनों बोलिए, आप ही दोनों के पास बुक है। यस सर। सर जीरो। बेटा चेन्नई क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई कोलकाता के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस। सर 1,600। सर 1,684। कौन बता रहा है भैया, उसे क्या लिखा है सिद्धार्थी, लिखे चेन्नई का 1,684। सबसे पहले लिखा है टेबल में क्या लिखा है, चेन्नई, चेन्नई सिटी का डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई कितना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम कोलकाता कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली कितना है, यानी चेन्नई का चेन्नई से डिस्टेंस जो है जो किलोमीटर है, ठीक उसी तरह चेन्नई का कोलकाता से 1,684 किलोमीटर है। अब चेन्नई का दिल्ली से, चेन्नई का दिल्ली से दिया ही नहीं है, नॉट अप्लीकेबल यानी रोड ही नहीं है। चेन्नई का डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई, मुंबई से कितना डिस्टेंस दिया है, 1,290। इसी तरीके से कोलकाता का चेन्नई से कितना डिफरेंस है, कोलकाता का चेन्नई से कितना डिस्टेंस है, 1,684। यानी कोलकाता का चेन्नई से 1,684 है ना, यहाँ से यहाँ तक। यस सर। इसी तरीके से अगर पूछूं चेन्नई से मुंबई का, चेन्नई से मुंबई का, चेन्नई और मुंबई की दूरी कितनी है, what is distance between मुंबई एंड चेन्नई, 1,290। The same way I talk about what is difference between Mumbai to Delhi, what is difference between Mumbai and Delhi, sir 1,419 distance from Mumbai to Delhi, yes correct 1,419. The same way if I talk about the Delhi and Kolkata, so what is distance between Delhi and Kolkata, sir 1,453। 1,453, तो दैट मीन्स कि सभी शहरों के बीच के जो डिस्टेंस है वो तो पता चल गया ना विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, पता चल गया। यस सर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अब सारी टेबल भी आपको मिल गया, क्या करना है वो भी दिया हुआ ऊपर। अब नीचे क्वेश्चन कुछ पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया, व्हीकल ए, कोई व्हीकल है, व्हीकल ए स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई प्रोसीड टू मुंबई, कोई व्हीकल ए है स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई मुंबई या किधर, कोलकाता प्रोसीड टू मुंबई यानी यहाँ से मुंबई की तरफ बढ़ती है, एंड देन टू दिल्ली, फिर यहाँ से इसके बाद दिल्ली जाती है, यानी चेन्नई से प्रोसीड टू मुंबई देन टू दिल्ली ऐसे जाता है। ओके यस। द सेकेंड व्हीकल बी, कोई दूसरा व्हीकल है व्हीकल बी, व्हीकल बी क्या करता है, व्हीकल बी स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई, स्टार्ट ये भी चेन्नई से शुरू करता है एंड प्रोसीड टू कोलकाता, लेकिन ये कोलकाता जाता है and then to Delhi, यानी एक फिर दिल्ली जाता है, यानी एक चेन्नई से व्हीकल है आपका मुंबई से दिल्ली होते, मुंबई होते हुए दिल्ली जाता है, बट व्हीकल भी प्रोसीड टू कोलकाता देयर आफ्टर दिल्ली, यानी वाला कोलकाता होते हुए जाता है। दो चीजें, दो शर्तें बताई गई, दो कंडीशन, उसके बाद क्या पूछा गया, विच व्हीकल कवर्स अ ग्रेटर डिस्टेंस, विच व्हीकल मीन्स क्या होता है सिद्धार्थी, विच व्हीकल, सर बेटा आपकी आवाज कट के आ रही है, फिर से बोलिए, विच व्हीकल मीन्स क्या हुआ सर,
एक गाड़ी। कौन सी गाड़ी? विच व्हीकल मिस कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी कबर से ग्रेटर डिस्टेंस? ग्रेटर डिस्टेंस मिस क्या हुआ सर? ज्यादा डिस्टेंस। कौन सी गाड़ी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, जो चेन्नई से मुंबई होते हुए दिल्ली पहुंचा या जो चेन्नई से कोलकाता हुए दिल्ली पहुंचा? कैसे पता चलेगा? चेन्नई से मुंबई। ये देखिए ये कितना किलोमीटर चला, यहाँ से इतना किलोमीटर चला, ये टोटल कितना किलोमीटर चला, यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तरीके से यहाँ से कोलकाता व्हीकल बी को देखिए, कोलकाता तक कितना किलोमीटर चला, कोलकाता से दिल्ली कितना किलोमीटर चला, जो ज्यादा चला व्हीकल ए या व्हीकल बी पता चल जाएगा ना? यस सर। और जो ज्यादा व्हीकल चला, जो ज्यादा देर से चला, वही आपका आंसर है। तो विच व्हीकल इज द करेक्ट आंसर, किसी ने सॉल्व किया है सर? कोलकाता टू दिल्ली। बेटा अभी आपकी आवाज नहीं प्रॉपर आ रही, फिर से बोलिए। कोलकाता टू दिल्ली। बेटा मैं कहा बताइए सर? व्हीकल ए आपका ज्यादा चला है या व्हीकल बी? आप लोगों ने कैलकुलेट किया है कि नहीं सर? बी। अच्छा मुझे ये बताइए, आप दोनों सब तीनों लोग कैलकुलेट करिए, मैं यहाँ पे लिख लिख भी दे रहा हूँ। व्हीकल ए कितना किलोमीटर चला, व्हीकल बी, दोनों तुरंत कैलकुलेट करके मुझे बताइए। व्हीकल ए और व्हीकल बी, चेन्नई से मुंबई कितना दूरी है? मैं लिख दे रहा हूँ, चेन्नई से मुंबई 1290 है। अवरल ये आपके लिए लिख दे रहा हूँ बेटा, आपके पास बुक नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ। कोलकाता टू दिल्ली। ये इसके बीच का डिस्टेंस मैंने लिख दिया, ठीक है? अबिरल आप बताइए टोटल कितना किलोमीटर चला? ये 1419। अब व्हीकल ए इधर से चला यहाँ पे पहुंचा, व्हीकल भी इधर से चला, कौन सा व्हीकल ए ने कितना किलोमीटर कवर किया, व्हीकल भी कितना किलोमीटर कवर किया? जिसका भी पहले हो जाए दे हैव टू यस। सिद्धार्थी व्हीकल ए कितना चला सर? 2708 कितना व्हीकल ए? 9 व्हीकल ए 2709। तो मेट बोले इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। 3137। यस सर। हाँ चलो ठीक है, अब दोनों में से ज्यादा ज्यादा कौन सा व्हीकल ने कौन सा ज्यादा डिस्टेंस कवर किया? अबिरल सर बी। तो व्हीकल बी कवर्ड द मोस्ट। अब इसको लिखना क्या है, आप लिखेंगे कैसे बोर्ड पे? आप लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई। आप जो टेबल है टेबल बना लेंगे, कॉपी में सब दिया ही है, फिलहाल इसी बुक में ही आप आंसर लिख सकते हैं कि व्हीकल डिस्टेंस कवर्ड, ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हीकल ए इज इक्वल टू 1290 प्लस 1419 इक्वल टू 2709 किलोमीटर। और दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हीकल बी इज इक्वल टू 1684 किलोमीटर प्लस 1453 किलोमीटर इक्वल टू 3130 किलोमीटर। सो या 10 THUS 10 मीन्स यस, इस प्रकार THUS 10 मीन्स इस प्रकार, दस व्हीकल बी हैज कवर्ड The vehicle B has covered the more distance than vehicle A, and it is the answer. यही पूछा गया था. Okay? Yes, sir. Come to the next yes, question. Sir. A2. The annual sales of supermarket are shown in the table below. The annual sales of
ऑफ अ सुपर मार्केट आर शोन इन द टेबल बिलो. जो किसी कोई सुपर मार्केट है, कोई मॉल है जिसका एनुअल सेल कितना सेल होता है, उसका जो डिटेल है वो टेबल में लिखा गया है. उसका जो डिटेल है टेबल में लिखा हुआ है. तो एक बार देखते हैं, व्हाट इज द एनुअल सेल ऑफ राइस, कितना किलोमीटर, कितना किलोग्राम बिका, कितने पैसे का बिका, दोनों सारी डिटेल लिखा है. एक बार बताइए, व्हाट इज द सेल्स ऑफ राइस इन टर्म्स ऑफ वेट. बताइए नेक्स्ट सर, व्हाट इज द सेल्स ऑफ राइस, व्हाट इज द एनुअल सेल्स ऑफ राइस इन टर्म्स ऑफ वेट. पैसे के रूप में नहीं, वेट की मात्रा के टर्म्स में बताइए. टोटल कितना राइस सेल हुआ, एनुअल सेल कितना हुआ सर? 1,34,518. और कितने रुपए का टर्नओवर हुआ, कितने पैसे का, कितना फिलहाल सेल हुआ, कितना पैसा उससे आया सर? 56,49,756. इन द सेम वे सुगर का भी दिया हुआ है, ऑयल का भी दिया हुआ है, एंड ठीक है. आपको ये टेबल तो समझ में आ गया, जैसे आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ था, ऐसे यहाँ पे क्या दिया है, एनुअल सेल क्या हुआ. किसी भी तीन चार प्रोडक्ट है तो उनका एनुअल सेल क्या हुआ और उससे कितना पैसा आया, यही तो डिटेल दिया हुआ है. यस सर. इस टेबल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टेबल में से, और इस टेबल का देखते हुए आपको इवेल्युएट करते हुए आपको इसका आंसर बताना है. क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले अरेंज द आइटम्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी सोल्ड. क्या लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? बेटा अरुण, आप पहली बात यूनिफॉर्म प्रॉपर आप ड्रेस पहन के आइए, ऐसे बनियान पहन के क्लास नहीं करते. ठीक है, जैसे आप स्कूल में आते हो क्लास करने प्रॉपरली वेल ड्रेस में, प्रॉपरली ऐसे ड्रेस पहन के आया करें. ड्रेस मतलब स्कूल का ड्रेस नहीं, कोई भी कपड़ा पहने, लेकिन बनियान पहन के प्लीज मत आया करें. अरुण बेटा, आप प्रॉपरली शर्ट पहन के आइए. ऐसे थोड़ा होता है कि नहा दो मतलब सो के उठे तुरंत आप क्लास करने लगे. जब मर्जी तब ज्वाइन किए, जब मर्जी तब नहीं ज्वाइन किए. अरुण फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, मेरी आवाज अगर जा रही होगी तो आएंगे, अगर वैसे आते हैं तो रिमूव करना पड़ेगा इनको. फिलहाल आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जब भी क्लास ज्वाइन करें अच्छे बच्चों की तरह, जैसे प्रॉपरली, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ने वाली है, आपको चार बच्चे और भी देखने वाले, तो ऐसा नहीं होता कि आप जैसे नहा धो के बाल बिखेर करके आके बैठ जाएं. प्रॉपरली जैसे क्लास किया जाता है, 10 बजे आपकी क्लास चलती है, 10 बजे तक तो प्रॉपरली नहा भी लेना चाहिए. ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहा करके आराम से आपको क्लास अपने घर पे बैठना चाहिए प्रॉपरली टाइम से. मतलब आधा घंटा लेट आ रहे हैं, ऊपर से बनियान पहन के सो आ गए, ऐसा लग रहा है कि सो के आ गए हैं, इस तरीके से होती है. नो सर, आधा घंटा लेट ज्वाइन कर रहे हैं ऊपर से क्या जैसे. ओके, लीव बैक, कम टू योर क्वेश्चन. जो आपका क्वेश्चन दिया है एनुअल सेल्स क्या सुपर मार्केट की, वो आपके टेबल में दिया हुआ है. तब इसमें से क्वेश्चन अगर कुछ पूछा जाए कि कितना सेल हुआ, कितना पैसे का सेल हुआ, ये सब तो जान जाएंगे ना. यस सर. क्या है, अरेंज द आइटम्स, अरेंज द आइटम्स, इसका मतलब क्या हुआ? आप जो भी आइटम सेल हुए उसको अरेंज करना है. अरेंज करना मतलब आपको व्यवस्थित करना है. किस तरह से व्यवस्थित करना है? इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी सोल्ड. किस तरह के क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है उसके हिसाब से उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे कम क्वांटिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे लोएस्ट सबसे पहले लिखेंगे या सबसे ग्रेटेस्ट? सर लोएस्ट. सबसे लोएस्ट. तो सबसे लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कौन सा आइटम सोल्ड हुआ? इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इन दैट पर्टिकुलर ईयर. सिद्धार्थी बताइए, आप अपनी बुक में से देख के बताइए. आई एम आस्किंग द क्वेश्चन. आप लोग केवल देख रहे हैं, आप मुझे आंसर बताइए. अरुण आप भी एक बार क्वेश्चन नंबर 14 मतलब पेज नंबर 14 ओपन कर लीजिए, वही पढ़ाया जा रहा है. सिद्धार्थी आप बताइए, सबसे कम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मतलब किलोग्राम या मात्रा के हिसाब से सबसे कम कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा आइटम सेल हुआ है? सर लिंटील. लिंटील ठीक है.
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे ना, 11,218, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में उसी क्वांटिटी के तरीके से आप उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला ऐसे लिखेंगे ना। यस सर। आयल तो लिख ले जाएंगे, इसका आंसर यहीं पे साइड में लिख ले जाएंगे। यस सर। ऑयल है, फिर आपका राइस है, फिर शुगर है, दैट इज गुड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू अर्न, जितना रेवेन्यू जनरेट किया, जितने पैसे का रेवेन्यू मतलब सेल हुआ, अमाउंट, अमाउंट के रूप में, रेवेन्यू मतलब अमाउंट ही तो होगा बेटा, रेवेन्यू मतलब पैसे से संबंधित होता है, ठीक है। yes, तो पैसे से संबंधित जो आइटम सेल हुए हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। तो सबसे पहले कौन सा आइटम आएगा, लिंटेल, फिर सर लिंटेल, शुगर, कौन सा आएगा, ऑयल, बोलिए पहले लिंटेल, आफ्टर शुगर, राइस, ऑयल। बेटा एक साथ बोलिए जल्दी से, लेंटिल, फिर शुगर, फिर राइस, फिर ऑयल, ऐसे बोल दिया करिए, ठीक है। कहानी मत बुझाया करिए, छोटे बच्चे नहीं आप लोग। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इज A3, द लास्ट, सेकंड लास्ट। द पॉपुलेशन ऑफ मेजर मेट्रोज इन इंडिया एज फॉलोज, यहाँ पे कई सारे मेट्रो सिटीज के पॉपुलेशन दिए हैं, क्या दिए हुए हैं, पॉपुलेशन। अब क्या करना है, ये पॉपुलेशन तो आप पढ़ ले जाएंगे ना, कौन से सिटी की कितनी पॉपुलेशन है। यस सर। यस सर। इसमें करना क्या है, करना क्या है, नीचे क्वेश्चन जरा पढ़िए और मुझे बताइए इसमें करना क्या है। सर, अरेंज द सिटीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब सर जो पॉपुलेशन दिया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सी सिटी आएगी सर, हैदराबाद। वेरी गुड सिद्धार्थी, अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। इसी तरीके से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर ले जाएंगे ना। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, करीम कैन टाइप 60 वर्ड इन अ मिनट, करीम कैन टाइप 60 वर्ड इन अ मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, करीम एक मिनट में कितने वर्ड टाइप कर सकता है। 60 वर्ड, 60 अक्षर नहीं, लेटर नहीं, वर्ड्स कितने, 60 वर्ड। सलीम कैन टाइप 18 पेजेस हैविंग 300 वर्ड्स ईच इन 1 hour and 30 minutes। सलीम एक दूसरा बच्चा है, करीम एक दूसरा बच्चा है और सलीम एक दूसरा बच्चा है, करीम कितना कर सकता है, 18 pages having 300 words. I am asking about Kareem. K-A-R-W-M, Kareem. Sir, 60 words in a minute. एक मिनट में सीमे ये 60 words type कर सकता है, लेकिन वहीं पे सलीम क्या कर सकता है, सलीम 18 पेज 1 hour 30 minutes में, 1 hour 30 minutes में 18 पेज type कर सकता है, और हर पेज में कितने words होंगे, 300. So that means 18 pages में total how many words are there? 300 words per page. So 18 pages में total कितना होगा? 5,000. 18 pages 54. 5,000. 400. Yes sir. What कितने देर में? 1 hour 30 minutes कितना? 1 hour 30 minutes. How many minutes in 1 hour and 30 minutes? Total how many minutes? How many minutes in 1 hour? 60 and 1 hour 30 minutes. So hour में minutes में कर दे, 1 hour 30 minutes को total minute में ही बोले तो total how many minutes आ दे? 1 hour 30 minutes बोले या 90 मिनट में कितना टाइप कर सकता है, 5,400, जबकि करीम क्या करता था, वो एक मिनट में 60 words. क्वेश्चन क्या पूछा गया, आगे पढ़िए, हु टाइप फास्टर, कौन ज्यादा तेज टाइप करता है,
एक मिनट में ये 60 वर्ड्स टाइप करता है, ये 90 मिनट में 54 करता है, तो 90 मिनट में अगर ये 5400 करता है तो एक मिनट में कितना करेगा? नो सर, डिवाइड डिवाइड करें, जीरो जीरो कट गया, 9 6 इसका तो एक मिनट में कितना आया, 60 वर्ड्स पर मिनट, तो कौन टाइप करता ज्यादा? सर बोथ, इक्वल करते हैं ना? यस सर, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, करीम टाइप 60 वर्ड्स इन अ मिनट, वेरियाज सलीम कैन टाइप 18 पेजेस हैविंग 30 वर्ड्स इन 1 hour 30 minutes. That is, yes, sir. 18 hour total number of words in 18 pages is 18 into 300 equal to 5400 words in 90 minutes. That is, yes, sir. Salim can type in 1 minute 5400 upon 90 equal to 60 words per minute. Thus, yes, sir. This prakar, Salim and Karim type equally. सलीम एंड करीम टाइप इक्वली, मतलब कैन टाइप इक्वली, नाइदर नाइदर समीर, आप ऐसा कर सकते हैं, सलीम करीम एंड सलीम टाइप इक्वली. ओके, द टाइपिंग ऑफ करीम एंड सलीम इज इक्वल. तो इस तरीके से ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया ना? यस सर. यस सर बेटा, ओनली ओनली 1 minute 30 seconds इज रिमेनिंग. ऐसे में एस्टिमेशन एंड राउंडिंग आपका मैं नहीं आज शुरू करूंगा, अब वो कल नेक्स्ट क्लास में आपको पता चलेगा, कल क्या परसों. तो इसको जो भी बच्चा है, जितने लोगों ने होमवर्क नहीं किया वो प्लीज होमवर्क कर लीजिएगा, किसी को कुछ पूछना होगा तो ग्रुप में भेज दीजिएगा, पूछ लीजिएगा. ओके, अभी A1 A2 A3 A4 को आप लोगों ने नहीं करके भेजा है ना? नो सर. तो इसको भेज दीजिएगा, ठीक है? यस सर. आज के लिए इतना ही, गुड बाय एवरीवन सर, गुड बाय.